एवरीवन, मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं स्किन के लिए, यानी आपके फेस के लिए, आपके फेस को गोरा करने के लिए। आपके फेस को गोरा मीन्स जो स्किन के ऊपर एक के बाद एक जो परत लग गई है ब्लैक कलर की, उसे हटाएंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक हैं और आप ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोल रही मैं। आपकी स्किन के ऊपर जो टैनिंग होती है, धूल, प्रदूषण, डर्ट और भी जो भी गंदगी होती है, वो स्किन के ऊपर चिपक जाती है और हमारी स्किन हमें ब्लैक ब्लैक लगने लग जाती है। तो वो सारी गंदगी को हम छूमंतर कर देंगे, हटाएंगे। आपकी स्किन पे दाग, धब्बे, पिंपल के निशान, झाइयां, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, झुर्रियां, मतलब ये जितनी भी चीजें हो गई है, इन सबको हटाएंगे एंड स्किन के अंदर एक नेचुरल ग्लोइंग लेकर आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए हमें खाना होगा एक फ्रूट। ठीक है, और खाने के साथ साथ लगाना होगा उसी फ्रूट को हमें फेस पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी चीज़ें मैं सर्च कर रही हूँ और अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल है उसे क्लिक करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और जैसे ही वीडियो आपके पास आती है तुरंत उसे ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, एंड सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। अपने जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर में जो भी है, सबके साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करें। तो अभी आपको पता है कि विंटर सीजन स्टार्ट होते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन की और हमारी हेयर की, दोनों ही बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। मतलब क्या बताऊं मैं, सर्दियां इतनी होती है तो हमें कुछ ठंडा पानी यूज करने का मन नहीं करता है, ना हेयर पैक लगाने का मन करता है, ना हमें स्किन के ऊपर कुछ करने की इच्छा होती है, क्योंकि सर्दी लगती है और हम बस ठिठुरते रहते हैं और बस हर वक्त ओढ़ के बैठे रहते हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन आपको इतना भी ज्यादा अपनी स्किन को ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना है, उसका स्किन केयर, हेयर केयर दोनों ही करते रहना है बिल्कुल, ताकि हमारी स्किन डैमेज नहीं हो, स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हो, हेयर डैमेज नहीं हो, हेयर फॉल नहीं हो। हेयर के लिए आपको मिल गई होगी इससे पहले वीडियो, मैंने आपको एक फ्रूट बताया है, उसे आपको कंटिन्यू लेना है हेयर फॉल के लिए, आपको उस वीडियो में सब कुछ पता चल गया होगा। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप लोग कब देखोगे, जब हेयर फॉल पूरा हो जाएगा तब देखोगे क्या? अभी जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना और उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज वो आपका हेयर फॉल 100% खत्म कर देगा। ठीक है, एंड चलिए इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे फ्रूट की जिससे आपकी, जो मैंने आपको अभी बताया, वो सारी प्रॉब्लम्स, स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी छूमंतर। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ऑरेंजेस की। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ ऑरेंज, ये ऑरेंज आपकी स्किन के अंदर जैसे ये चमक रहा है ना, आपको दिख रहा है कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, उसी तरह आपकी स्किन भी बिल्कुल ग्लो करने वाली है इस ऑरेंज से। तो इसे हमें खाना भी है और हमें अपनी स्किन के ऊपर लगाना भी है। ठीक है, वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब आपको इसका कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करनी है। सबसे पहले इसका ये पील, जो पील है, इसके छिलके हैं, इन छिलकों को आपको क्या करना है, गर्मी, ऐसा नहीं है धूप के अंदर, बिल्कुल नहीं, जितनी भी, क्योंकि अभी देखिए विंटर में सब लोग फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, मार्केट में आप जहां भी जाएंगे आपको फ्रूट्स ही फ्रूट्स नजर आएंगे। तो इसके ऑरेंज के जितने भी छिलके हैं, इन सबको आपको क्या कर देना है, इकट्ठा कर लेना है। जैसे आज आपने खाया उसको एक साइड में रख लीजिए, कल खाया, परसों खाया, ऐसे करके, और उसे आप बिल्कुल छाया में, धूप में बिल्कुल नहीं, जहां धूप नहीं आ रही है वहां पर फर्श के ऊपर आप कोई पॉलिथीन या बिछा दीजिए और इसको फैला दीजिए रूम में। ठीक है, और छाया में ही इसे पूरा ड्राई करना है, यानी ये सूख जाने चाहिए। सूखने के बाद में आपको इसका पाउडर बनाना है, क्योंकि आपको इस पाउडर से बहुत ही ज्यादा, आपको वो जो आप इसको खाएंगे और लगाएंगे ना, उससे कई 10 गुना ज्यादा आपको इसके छिलकों में फायदा होता है। विटामिन सी होता है, आपको पता है ऑरेंजेस, ऑरेंज में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको दूर करता है। तो आपको इनको बिल्कुल नहीं, ओ माई गॉड, आपको इसको
आपको इसको बिल्कुल नहीं फेंकना है, सारे छिलकों को इकट्ठा करके रख लीजिए, और जब ये सूख जाता है तो आप एक डिस्क्रिप्शन में फिर से चेक करना, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कि घर पर कैसे आप ऑरेंज पील पाउडर एंड लेमन पील पाउडर बनाएं, उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, तो उसका लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और उसमें सीख लीजिएगा कैसे आपको घर पे पाउडर बना के रखना है। और उस पाउडर को आपको हर पैक में यूज करना है, कोई भी आप पैक लगा रहे हैं, फेस के ऊपर कुछ भी पैक लगा रहे हैं, उसमें आपको एक चम्मच ये ऑरेंज पील पाउडर भी डाल देना है। इससे आपकी स्किन के अंदर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, सारे दाग धब्बे, कालापन, झुर्रियाँ, पिंपल, निशान, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, एवरीथिंग, सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में इसको हमें खाना है। अब हम इसे खा तो लेंगे, ठीक है। ये मैं फटाफट इसके छिलके हटा देती हूँ और इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकती, इसका पील पाउडर बनाती हूँ। आपको पता है मार्केट में कितना महंगा मिलता है ऑरेंज पील पाउडर? आप ऑनलाइन सर्च करिए, आपको कितना मिलेगा फालतू, 100 रुपये का 50 ग्राम, 200 रुपये का। क्यों मंगाना जब हमारे पास, और हमें क्या पता वो ओरिजिनल है या नहीं है? ये तो हमें पता है ना कि ये ओरिजिनल है, और जब हम इसका बनाएंगे खुद से, अपने हाथों से बनाएंगे, तो कितना ज्यादा प्योर फॉर्म में मिलेगा हमें, है ना। तो आप लोग भी इसे बनाकर रखिए। तो ये हो गई हमारी ऑरेंज, एंड इस ऑरेंज को हमें खानी है, एंड खाने के साथ ही इस ऑरेंज का जो जूस होता है इसका, तो आपको क्या करना है, एक ऑरेंज का जूस लेना है। मतलब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी कि किसी बाउल लेना है, उसमें निकालना है, कुछ नहीं करना है, आप ऑरेंज खाते रहिए। और एक ऑरेंज को लेकर हल्का सा, मैं आपको अभी बताती हूँ, रुकिए। ये ऑरेंज मैंने ली, इसे तो हमने मुंह में डाल लिया। वाओ। एंड इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक आपको ये लेनी है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ एक स्लाइस लेनी है, सॉरी भूली गई मैं, इसको एक स्लाइस लेनी है। इस स्लाइस पे से हल्का सा आपको इसकी परत हटा देनी है एक साइड से, ठीक है, इस तरह से। एंड इसको आपको अपने फेस पर इस तरह से रब करना है, रब करना इन द सेंस इसका जो जूस होगा ना वो आपको अपने पूरे फेस पर इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। पूरे फेस पर आप लगाकर इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मतलब आपको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 10-15 मिनट बाद आपको फेस को वॉश कर लीजिएगा। और वॉश करने के बाद में बस आपकी स्किन में जो भी इसमें विटामिन सी था वो सारा आपकी स्किन में जा चुका है, और धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैंने आपको आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आपको हेल्प मिले, क्योंकि ऑरेंज में विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में। आपको सारे फायदे, यानी इस विटामिन सी का को ऑरेंजेस को खाना है, इसका जूस निकाल के आपको जूस फेस पर लगाना है, और इसका जो पील है, छिलके है, इसको आपको ड्राई करके और पील पाउडर बना लेना है। तो विंटर में सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट आपका ये हो जाएगा, जब भी आप होम रेमेडी बनाएंगे तो उसे आपको यूज करना होगा। तो ठीक है, ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत तो मांगता ही है, और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी स्किन, हेयर सब कुछ अच्छे चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर्दी में बस आप रजाई ओढ़ के बैठे रहे, कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं करें, आपको अपनी स्किन और हेयर की केयर करनी है, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह मैं आपके लिए एवरीडे अच्छे से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। और आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर कमेंट करिए, मैं हर एक को रिप्लाई करती हूँ, हर एक को रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज मुझे रिप्लाई करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपके मैसेजेस आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक लाइक जरूर करिए। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।